एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। बीएड की डिग्री को लेकर हुए विवाद और एसआईटी की जांच के बाद बर्खास्त हुए बेसिक शिक्षक बहाल। बेसिक स्कूल में बच्चों को नहीं करने दिया जाता है शौचालयों का प्रयोग। शिक्षिका निलंबित, हस्ताक्षर करके स्कूल से गायब हो गई प्रसिद्धि शिक्षिका। वेतन रोकने के निर्देश। शिक्षण कार्य में लापरवाही पर 7 शिक्षकों का वेतन काटा। प्रेरणा ऐप के माध्यम से हो रहे ऑनलाइन निरीक्षण में 51 शिक्षाकर्मियों का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश। विद्यालयों में झाड़ू लगाते बच्चे, अध्यापक कभी नहीं आते स्कूल। 10 बच्चों को एक शिक्षा मित्र पढ़ा रहे। दरोगा की नौकरी दिलाने के नाम पर शिक्षा मित्र ने ठगे 6 लाख रुपए। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ईहब यूट्यूब चैनल पर। कन्नौज, बीएड की डिग्री को लेकर हुए विवाद और एसआईटी जांच के बाद बर्खास्त किए गए 19 शिक्षकों को बहाल करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस पर बीएसए ने सभी को बहाल भी कर दिया, साथ ही सभी शिक्षकों से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा है। दरअसल साल 2004-05 में आगरा विश्वविद्यालय से बीएड करने वाले इन 19 शिक्षकों को जिले के विभिन्न प्रसिद्ध स्कूलों में नियुक्ति मिली थी। इसके बाद इनकी डिग्री को लेकर विवाद हो गया था। करीब 3 साल पहले तत्कालीन बीएसए दीपिका चतुर्वेदी ने एसआईटी की जांच के बाद प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के 19 टीचर की सेवा समाप्त करते हुए बर्खास्तगी का आदेश जारी किया था। सभी के खिलाफ संबंधित थाने व कोतवाली में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। उसके बाद वेतन रिकवरी के आदेश भी हुए थे। जिन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी उन्होंने कोर्ट की शरण ली। मामला उच्च न्यायालय के बाद उच्चतम न्यायालय दिल्ली में चला गया। वहां अवमानना याचिका संख्या 490/493/2021 राजेश कुमार चतुर्वेदी व अन्य बनाम दीपक कुमार प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा लखनऊ पर सुनवाई की। 22 फरवरी के बर्खास्त सभी शिक्षकों को संबंधित विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कराने का आदेश जारी किया गया। मामला उच्च न्यायालय के बाद जिले के 19 बर्खास्त शिक्षकों को बहाल कर दिया गया है। उनको कार्यभार ग्रहण कराने का आदेश दिया गया है। न्यायालय के निर्णय का पालन किया जा रहा है। संगीता सिंह, बीएसए। हाथरस बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए ने प्राथमिक विद्यालय कछपुरा रोड का निरीक्षण किया। वहां शौचालय पर ताला लगा मिला। पूछताछ में पता चला कि शौचालय का प्रयोग बच्चों को नहीं करने दिया जाता। इसके अलावा अन्य खामियां भी यहां बीएसए को मिली। बीएसए ने प्रभारी प्रधानाध्यापकों को निलंबित कर दिया है। बीएसए ने विकासखंड मुरसान के प्राथमिक विद्यालय कछपुरा का निरीक्षण किया। यहाँ मिड डे मील का भोजन निर्धारित मेनू के अनुरूप नहीं बनाया गया था। विद्यालय में खाद्यान्न भी उपलब्ध नहीं पाया गया। विद्यालय परिसर में निर्मित शौचालय में ताला लटका हुआ था। निरीक्षण में यह भी बात सामने आई कि बच्चों को शौचालयों का उपयोग नहीं करने दिया जाता है। फल व दूध का वितरण भी नहीं किया जाता। विद्यालय में शैक्षिक गुणवत्ता भी निम्न स्तर की पाई गई। इसे गंभीरता से लेते हुए बीएसए ने शिक्षिका सपना वार्षणे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आरोपों की जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय को जांच अधिकारी नामित किया गया है। निलंबन अवधि में सपना को प्राथमिक विद्यालय कछपुरा रोड से सम्मिलन विद्यालय रामगंज नगर क्षेत्र हाथरस से संबद्ध किया गया है। हाथरस बीएसए शाहीन ने बृहस्पतिवार को कई स्कूलों का निरीक्षण किया। इसमें उन्हें कई स्कूलों में शिक्षिकाएं गैर हाजिर मिली। एमडीएम की गुणवत्ता भी निम्न स्तर की मिली। इस पर बीएसए ने जवाब तलब किया है। वहीं गैर हाजिर शिक्षिकाओं के वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण में बीएसए ने पाया कि सम्मिलन विद्यालय कपूरा में छात्र छात्राएं यूनिफॉर्म में नहीं थे। कक्षाओं की छत पर सीलन मिली। फर्श पर टाइल भी नहीं लगे थे। विद्यालय में कायाकल्प योजना के तहत कोई कार्य नहीं हुआ है। प्रधानाध्यापक से 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। एनजीओ के माध्यम से वितरित किए जाने वाले भोजन रोटी सब्जी की गुणवत्ता भी निम्न स्तर की मिली, जिस पर डीसी एमडीएम को एनजीओ को नोटिस देने के निर्देश दिए। प्राथमिक विद्यालय नहरोई में शिक्षिका प्रियंका अनुपस्थित मिली। इस शिक्षिका का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। वहीं विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका तरुण फोन पर बात करते हुए मिली। स्कूल में शिक्षण कार्य नहीं हो रहा था, इस पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। बीएसए ने प्रधानाध्यापक से भी विद्यालय में व्याप्त अव्यवस्था एवं रिकॉर्ड अपडेट न रखने के संबंध में जवाब मांगा है। एमडीएम की गुणवत्ता सही नहीं पाए जाने पर एनजीओ को नोटिस देने की बात कही है। प्राथमिक विद्यालय नगला धन सिंह के निरीक्षण के दौरान शिक्षिका नम्रता सिंह अनुपस्थित थी, लेकिन उपस्थित पंजिका में हस्ताक्षर हो रहे थे, जिस पर नम्रता का एक दिन का वेतन रोकने की कार्रवाई करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। यहाँ पर भी एनजीओ के खाने की गुणवत्ता सही नहीं मिली। प्राथमिक विद्यालय ओढ़पुरा नगर क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान 50 के सापेक्ष 8 बच्चे बिना पोशाक के उपस्थित मिले। शैक्षिक गुणवत्ता निम्न स्तर की मिली। स्कूल परिसर में साफ सफाई का अभाव था, इस पर शिक्षिका
मुक्ता वार्षणी से स्पष्टीकरण मांगा है। मैनपुरी बीएससी कमल सिंह ने बुधवार को जागीर और करहल विकासखंड के 3 स्कूलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 2 स्कूलों में शिक्षक शिक्षिकाएं शिक्षण कार्य में रुचि लेते नहीं पाए गए। बीएससी ने सभी का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश जारी किए। बीएससी कमल सिंह बुधवार को सुबह 9:30 बजे जागीर विकासखंड के उच्च प्राथमिक विद्यालय परिगुमा पहुंचे। यहां निरीक्षण के समय शिक्षिका कमलेश कुमारी, विमला देवी, अनुदेशक सुमन उपस्थित थे, लेकिन शिक्षण कार्य की बजाय एक जगह बैठे बातें करते मिले। छात्र उपस्थित रजिस्टर भी तैयार नहीं किया गया था। इस पर बीएससी ने नो वर्क नो पे के तहत उनका एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। यहां से बीएससी 10:20 बजे करहाल विकासखंड के कंपोजिट विद्यालय उदना डांडा पहुंचे। यहां निरीक्षण के समय प्रधानाध्यापक संध्या साख्या, सहायक अध्यापक शशिकांत अनुपस्थित थे। प्रतीक कुमार और कमल पांडे मैदान में खड़े बातें कर रहे थे। बीएससी कक्षा कक्ष में पहुंचे तो यहां बच्चों को कोई कार्य नहीं दिया गया था। बीएससी ने अनुपस्थित प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के साथ ही कार्य न करने वाले सभी शिक्षकों का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। यहां से बीएससी करहल विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय कुरसारा पहुंचे। यहां निरीक्षण के दौरान शिक्षामित्र धनपाल सिंह अनुपस्थित मिले। बीएससी ने अनुपस्थित शिक्षामित्र का एक दिन का मानदेय काटने के निर्देश दिए। यहां के बच्चों को 10:30 बजे तक दूध नहीं दिया गया था। इस पर प्रधानाध्यापिका मोहिनी यादव को चेतावनी जारी की। बिजनौर प्रसिद्ध प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रेरणा ऐप के माध्यम से हो रहे ऑनलाइन निरीक्षण में 51 शिक्षाकर्मियों का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। 9 विकास क्षेत्रों के प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र व अनुदेशक शामिल हैं। सबसे ज्यादा विकास क्षेत्र नूरपुर के 12 शिक्षाकर्मी शामिल हैं। बीएसआई जयकरण यादव के मुताबिक जनवरी, फरवरी और मार्च के इस माह के दौरान प्रेरणा ऐप के माध्यम से स्कूलों के जो ऑनलाइन निरीक्षण बीएसआई खंड शिक्षा अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों द्वारा स्कूलों का सुपरविजन किया गया है, उनमें 51 शिक्षाकर्मी अनुपस्थित पाए गए। स्कूलों में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित मिले शिक्षकों व शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों का एक एक दिन का वेतन बाधित किया गया है। नूरपुर में सर्वाधिक 12, ब्लॉक कोतवाली देहात में 8, किरतपुर तथा मोहम्मदपुर देवमल में 7-7 ब्लॉक, हरदौर में 6, नजीबाबाद में 4, नहटारों में 3, अफजलगढ़ में 3 और ब्लॉक जलीलपुर में 1 शिक्षक अनुपस्थित मिले। स्कूलों के निरीक्षण के दौरान अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों, शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों का वेतन रोकने के निर्देश वित्त एवं लेखा अधिकारी को दिया गया है। साथ ही अनुपस्थित पाए गए शिक्षाकर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। शिक्षकों को अपना स्पष्टीकरण ब्लॉक की खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से देना होगा। विद्यालयों में झाड़ू लगाते बच्चे, अध्यापक कभी नहीं आते स्कूल, 10 बच्चों को 1 शिक्षा मित्र पढ़ा रहे हैं, पढ़े पूरी सूचना। जालौन, रामपुरा अध्यापकों की मनमानी से नौनिहाली को पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ब्लॉक क्षेत्र के विद्यालय में कहीं बच्चे झाड़ू लगाते हैं तो कहीं पर अध्यापक ही नहीं जाते। ऐसे में बच्चों को अच्छी शिक्षा की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अभिभावकों के बाद शिक्षकों कोई बच्चों के गुरु होते हैं। वह विद्यालयों में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ ही उन्हें संस्कारवान भी बनाते हैं, लेकिन जब गुरु ही अपने कर्तव्य से इतिश्री करने लगेगा तो बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा ही प्रभावित हो जाएगी। यही हाल है ब्लॉक क्षेत्र के विद्यालयों का, जहां पर कई जगह विद्यालय खोलने के बाद बच्चे स्वयं झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद अध्यापक विद्यालय नहीं पहुंचते हैं, जिससे बच्चे खेलते हुए समय काटते हैं और घर चले जाते हैं। अध्यापकों की लापरवाही के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जबकि प्रशिक्षण में अध्यापकों को बताया जाता है कि खेल खेल में बच्चों को विशेष शिक्षा की जानकारी दें, जिससे बच्चों का ज्ञान बढ़ सके। ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम कुशीपुरा के प्राथमिक विद्यालय में जब जागरण की टीम पहुंची तो प्रधान अध्यापक नंदारत थे और सिर्फ 10 बच्चों को शिक्षा मित्र पढ़ा रहे थे। जैसे उन्हें पता चला कि टीम आई तो वह फोन पर धमकाने का काम करने लगे और कहा कि वह इस विद्यालय को ना देखें, जिसकी शिकायत BEO से की गई है। केस 1, ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत जाजेपुरा के प्राथमिक विद्यालय में जो है विद्यालय खोलने की जिम्मेदारी यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की है। गुरुवार को विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों ने विद्यालय खोला, इसके बाद स्वयं झाड़ू लगाते नजर आए, जबकि प्रधानाध्यापक विकास शर्मा विद्यालय से नदारद रहे। केस 2, प्राथमिक विद्यालय कुशीपुरा के प्रधानाध्यापक पिस कुमार मिश्रा विद्यालय से नदारद थे। विद्यालय में छात्रों की कुल पंजीकृत संख्या 86 है और गुरुवार को सिर्फ 10 बच्चे ही शिक्षा ग्रहण करने आए थे, जिन्हें शिक्षा मित्र भीमराव पढ़ा रहे थे। ग्रामीणों ने बताया कि प्रधानाध्यापक विद्यालय कभी कभार आते हैं। रामपुर, दरोगा की नौकरी दिलाने के नाम पर शिक्षा मित्र ने 6 लाख रुपए की रकम हड़प ली। पैसा वापस मांगने गए तो पिता पुत्र को शिक्षा मित्र ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया। युवक ने शिक्षा मित्र को नामजद कर शिकायती पत्र पुलिस अधीक्षक को सौंपा है। नगर के मोहल्ला चकस्वार निवासी कुबेर सैनी ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र भेजा, जिसमें आरोप लगाया कि उसके पिता नगर स्थित कन्या इंटर कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। कॉलेज में एक शिक्षक का आना जाना लगा रहता था। एक दिन शिक्षा मित्र ने उसके पिता को झांसे में लेकर बेटे को दरोगा की नौकरी दिलाने का लालच दिया और 12 लाख रुपए की रकम तय कर ली। कुछ दिन बाद वह
उस ओर उसके पिता शिक्षा मित्र के घर पहुंचे और दो गवाहों की मौजूदगी में 6 लाख रुपए एडवांस के रूप में दे दिए गए। बाकी की रकम नौकरी लगने के बाद देने की बात तय हुई, लेकिन समय अवधि बीत जाने के बाद भी उसे नौकरी नहीं दिलाई गई। 28 फरवरी को जब वह और उसका पिता शिक्षा मित्र के घर पहुंचे और दी गई रकम वापस करने को कहा तो आरोप है कि शिक्षा मित्र आगो बोला हो गया और गाली गलौज कर पुनः रकम मांगने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया। युवक ने पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर जांच कराकर आरोपी शिक्षा मित्र के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।